हेलो डियर फ्रेंड्स, आज अभी हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। हम डिस्कशन करेंगे बैंकिंग सेक्टर के जितने सारे स्टॉक है उसका चार्ट पैटर्न हमें स्टडी कर रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक में हमें देखना है कि आईसीआईसीआई बैंक में जो चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, ये चार्ट कितना स्ट्रांग है और इस चार्ट के साथ हमें पॉजिटिव व्यू में काम करना चाहिए या नेगेटिव व्यू में काम करना चाहिए, और हमें कहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए और कहाँ से हमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना चाहिए और क्या रेंज बाउंड हो सकता है। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का जो चार्ट पैटर्न बना है, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। ये डे बेसिस का मैं बोल रहा हूँ। जब तक आईसीआईसीआई बैंक 723, मैंने पूरे डीपली लेवल में आपको बता रहा हूँ, अभी 905 लेवल पर चल रहा है, तब तक के लिए हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि ये 723 लेवल ये ब्रेक करेगा। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का जो स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है, जो चार्ट पैटर्न वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न बना है, और अभी के लिए जो चार्ट पैटर्न बना है, जब तक 867 लेवल, यानी जब तक 867 लेवल ब्रेक नहीं किया है, तब तक के लिए हमें पॉजिटिव सोच बना कर रखना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक में। इसमें देख रहे हैं कि डे बेसिस में 867 लेवल, इस लेवल के आसपास आप हर टाइम पर क्या होगा ना, खरीदारी बिल्डअप होगा। इसका जो लेवल बनता है ऊपर का लेवल, ये जो लेवल बनता है 4945 लेवल, ये जो लेवल आपको बनता है, ये 94 लेवल आपको बनता है, ये रेंज आपका है इंट्राडे ट्रेडर के लिए है 867945। ये आपका लेवल है जिस लेवल पर आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम के साथ आप देखेंगे जो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी लग रहा है, यानी जो पैटर्न बना है जो मैंने आपको बताया, हाईएस्ट जो लेवल है 945 एंड नीचे में 867, ये जो रेंज मैंने आपको रेंज बाउंड स्टॉक में दिया जिसमें आपको काम करना चाहिए इंट्राडे बेसिस में, तो ये जो लेवल है, जो मिडिल लेवल है, ये जो मिडिल लेवल है, इस मिडिल लेवल के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आपका एवरेज, यानी ये आपका मिडिल लेवल पार्ट है, यानी ये आपको एवरेज मिडिल लाइन है इंट्राडे ट्रेडर के लिए। ऊपर का लेवल बनता है 945 और नीचे का लेवल बनता है 867। तो ये जो रेंज आपको, तीनों रेंज मिल रहा है आईसीआईसीआई बैंक में, इसमें आपको फोकस करना चाहिए। मार्केट में 807 लेवल ब्रेक होता है, इसके ऊपर टिकता नहीं, यानी अपसाइड डायरेक्शन में आपको थोड़ा सा गड़बड़ी है, नीचे में आपको फॉल होगा, तो आपको लगभग 30 पॉइंट के आसपास आपको दिखाई देगा जिस लेवल पर आपको फिर से खरीदारी आ जाएगा। तो इसीलिए आपको जो चार्ट पैटर्न है एचडीएफसी सॉरी आईसीआईसीआई बैंक में पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, ये चार्ट पैटर्न के साथ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। ये जो चार्ट पैटर्न है इसमें आपको खरीदारी करना चाहिए, लेकिन लोअर लेवल पर आप जितना खरीदारी कर सकते हैं उतना अच्छा है। 867 जब तक टूटता नहीं तब तक ये नीचे में आपको दिखाई नहीं देगा, और ये जो लेवल आपको मैंने दे रहा हूं, ये लेवल आपका एक रेंज बाउंड का स्टॉक है जिसमें आपको फोकस करना जरूरी है। आईसीआईसीआई बैंक का और एक पैटर्न देख सकते हैं, इसमें एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है जो 945 के आसपास जो है, जो मैंने आपको दिया, जो हाईएस्ट टारगेट मैंने आपको दिया, जिसमें आपको उस लेवल पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, उसके ऊपर टिकता है तभी हमें और एक सोच के साथ हमें प्लान और स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए 945 इज द लास्ट लेवल जिस लेवल पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है और वेट करना चाहिए उस लेवल पर क्या हो रहा है। इसका जो डे बेसिस का जो टाइमिंग है, इसके साथ जब तक 838 लेवल जो मैंने आपको बताया 60 क्रॉस किया यानी ब्रेक किया, जब तक 838 लेवल को ब्रेक नहीं किया है तब तक के लिए हमें आईसीआईसीआई बैंक में पॉजिटिव व्यू बनाकर रखना चाहिए, और इस जो रेंज मैंने आपको दिया उस रेंज में आपको खरीदारी करना चाहिए और आपका स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना चाहिए। लेकिन अब 30 मिनट टाइम फ्रेम के साथ आप देखेंगे, इसमें आपको बनता है 913, यानी 913 जब आपको ब्रेक हो जाएगा आपको मिलेगा 945। ये जो लेवल मैंने आपको दिया था, जो फर्स्ट लेवल मैंने आपको दिया था, ये जो लेवल है 913 के ऊपर आपको ब्रेक किया यानी सस्टेंस किया, आपको एक ब्रेकआउट जैसे आपको लगेगा, वो जो लेवल होगा 945 लेवल लास्ट लेवल तक जा सकता है, और जब भी नीचे में आता है जो फॉल होता है वो जो फॉलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, मैंने आपको बताया जो फॉलिंग लेवल आपको होना चाहिए, ये जो फॉलिंग लेवल है ये 867, ये लेवल टूटता है तभी आपको 837 84 जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। ये था आईसीआईसीआई बैंक का
चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो चार्ट फॉर्मेशन हुआ है, स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, इसका रेटिंग हम देंगे तो 4 के आसपास रेटिंग आएगा। और इसमें जो चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है 5 से फुल जो पैटर्न के लिए रेटिंग, अब मान लो 5 रेटिंग है, इसमें आसपास 3.5 से 4 रेटिंग इसमें हम देंगे। और इसमें जो चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, इस चार्ट पैटर्न जो रेंज रहेगा 867 से 945, लेकिन आपको 912 के लेवल के ऊपर एक अच्छा, यानी जो लेवल मैंने आपको देख दिया, जो लेवल मैंने आपको फाइंड आउट किया, जिस लेवल के लिए आप ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये जो लेवल है, ये लेवल आपको जितना जल्दी ब्रेक होगा उतना और 20 पॉइंट के आसपास अपसाइड डायरेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे का जो फॉर्मेशन होगा, वो जो चार्ट पैटर्न होगा, मैंने आपको बता दिया। तो जो चार्ट पैटर्न के साथ आपको देखना चाहिए, ऐसे आपको चार्ट पैटर्न के साथ देखना चाहिए। मूविंग एवरेज के साथ आप चलेंगे तो अभी आपको पता लगेगा कि अभी के लिए जो आईसीआईसीआई बैंक में क्या हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में 15 मिनट टाइम फ्रेम के साथ आप देखेंगे 200 पीरियड मूविंग एवरेज 107 इस लेवल को ब्रेक करता है, या 30 मिनट टाइम फ्रेम के साथ आप देखेंगे जो सपोर्ट ले रहा है 102, जब तक ब्रेक नहीं किया है तब तक हमें अपसाइड डायरेक्शन में रहना चाहिए। और आपका जो 15 मिनट टाइम फ्रेम के साथ आप देखेंगे जो 107 इस लेवल को ब्रेक करेगा, तभी आपको क्या होगा ना, आपको जो मैंने टारगेट दे रहा हूं 120, यानी आपको जो डे बेसिस का जो टारगेट मैंने आपको दिया, इस जो लेवल आपको दिया, ये लेवल तक आ सकता है। जो लेवल मैंने आपको दिया, ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास आ सकता है। ये जो लेवल मैंने आपको दिया, ये लेवल के आसपास आ सकता है। ये लेवल आपको ब्रेक होने के बाद क्या होगा ना, आपको ये टारगेट 945 का टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मूविंग एवरेज के साथ आप चार्ट पैटर्न को मिलाकर आपको देखेंगे तो आपका जो टारगेट बनता है, कल मार्केट पॉजिटिव रहता है, यानी 921 के ऊपर सस्टेंस करता है आईसीआईसीआई बैंक, तभी आपको पॉजिटिव मिलेगा। जो पॉजिटिव का व्यू बनता है 945 का टारगेट, और पहला टारगेट होगा 921, और उस लेवल को ब्रेक करता है, यानी क्लोज बेसिस में उसके ऊपर आपको क्लोजिंग देता है, तभी आपको टारगेट बनेगा 145। तो उसके ऊपर से मुझे जाने का कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसके ऊपर टिकता है तभी हमें उस लेवल पर रिव्यू लेना चाहिए। लेकिन अदरवाइज आपको जो लेवल है 907 का लेवल, जब तक ये ब्रेक कर देगा तभी आपको नीचे का लेवल भी देखने के लिए मिलेगा। जो रेंज अभी हमें दे रहे हैं और जी रेंज के हिसाब से आपको देखकर काम करना है, वो है 867 से 945। ये जो लेवल है, इस लेवल पर आपको आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी या इंट्राडे बेसिस में पोजीशन बनाना चाहिए, अपना स्ट्रेटजी बिल्डअप करना चाहिए। ऐसे ही आपको आईसीआईसीआई बैंक में काम करने के लिए मिलेगा। आज के लिए आईसीआईसीआई बैंक चार्ट पैटर्न एनालिसिस इतना। थैंक यू सो मच।